डियर स्टूडेंट्स दिस इज प्रवीण कुमार अग्रवाल फ्रॉम मैनेजमेंट डिपार्टमेंट वेलकम्स यू इन माई टुडेज लेक्चर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन टूडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्टिकल कॉम्बिनेशन आज के लेक्चर में हम वर्टिकल कॉम्बिनेशन के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव के पॉइंट को डिस्कस करेंगे जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था अबाउट द वर्टिकल कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस और इसके साथ साथ इसके डिफरेंट टाइप्स को भी हमने डिस्कस किया था दीज वर द फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन एंड सेकेंड वन वॉज द बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन नाउ द क्वेश्चन इज वाई दर्गनाइजेशन आर गोइंग थ्रू द वर्टिकल कॉम्बिनेशन आखिर क्या ऑब्जेक्टिव है जिनको फुलफिल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस यूनिट्स वर्टिकल कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को फोकस करती हैं तो यहां मैं कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड कर रहा हूं फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज एलिमिनेट द इंटरमीडिएट प्रॉफिट सबसे पहला पर्पज रहता है कंपनीज का उस इंटरमीडिएट प्रॉफिट को एलिमिनेट करना जिसकी वजह से रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज हो रही होती है एक्चुअली क्या है जब एक फर्म किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है तो उसके प्रोडक्शन में उसको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती ही होती है अब उसके पास दो ऑप्शन रहते हैं या तो वो उस रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे या फिर वो उस रॉ मटेरियल को डिफरेंट सप्लायर से परचेज करे लेकिन जब वो डिफरेंट सप्लायर से परचेज करती है तो उसके लिए उसको डिफरेंट टाइप के इंटरमीडिएट्स की हेल्प लेनी पड़ती है और उनके हेल्प से वो सप्लायर्स के थ्रू रॉ मटेरियल्स को परचेस कर लेती है लेकिन इसके लिए उसको क्या करना पड़ रहा है इंटरमीडियल को कमीशन देना पड़ रहा है और उसके साथ साथ उसको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी प्रोवाइड करने पड़ रहे हैं यानी कि रॉ मटेरियल को अगर वो सप्लायर्स अरे करती है तो उसकी कॉस्ट उसे ज्यादा पड़ती है और उसको वो ज्यादा प्राइजेस में परचेस करना पड़ता है लेकिन अगर वो क्या करें उसी रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करने वाले यूनिट के साथ में अपने ऑपरेशन को कंबाइन कर ले या फिर उसी रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे तो क्या होगा उससे जितना भी इंटरमीडियज का प्रॉफिट है वो खत्म हो जाएगा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसकी फॉलो किया रही थी वो भी खत्म हो जाएगी और एक तरीके से जो उसका रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो भी कम से कम हो जाएगा तो इस तरीके से वो अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को कम करने के लिए क्या करती है वर्टिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो करती है क्योंकि उसका इंटरमीडिएट प्रॉफिट एलिमिनेट हो जाता है ये पहला ऑब्जेक्टिव रहता है किसी भी कंपनी के रेफरेंस में सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है इसका The units of raw as well as for उसको रॉ मटेरियल चाहिए अवेलेबल कर सकती है क्योंकि वो अब उसके कंट्रोल में है कंप्लीट और कंप्लीट कंट्रोल में होने की वजह से जितनी भी यूनिट्स वो उससे प्रोड्यूस करना चाहे उतनी यूनिट्स वो प्रोड्यूस कर सकती है जो उसकी ऑपरे कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग और उसके अकॉर्डिंग अपने फिनिस्ड प्रोडक्ट को भी प्रिपेयर कर सकती है और मार्केट में सबसे बड़ी बात क्या है मार्केट में आप उस टाइम पर उस फिनिश प्रोडक्ट अवेलेबल करा सकते हो जब उसकी प्रॉपर डिमांड है अदरवाइज आपको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा किस पर सप्लायर पर कि जब वो आपको रॉ मटेरियल की सप्लाई देगा तब जाकर आप फिनिश प्रोडक्ट को प्रिपेयर करके मार्केट में अवेलेबल कराओगे लेकिन आपके पास रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी होने की वजह से यानी कि वर्टिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो करने की वजह से वो रॉ मटेरियल आपके पास अवेलेबल है उसकी आप जितनी यूनिट्स चाहो उतनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हो और उसके साथ साथ फिनिश प्रोडक्ट को डेवलप करके मार्केट में अवेलेबल करा सकते हो एस सी कर सकते हो उसको ये इसका सेकेंड ऑब्जेक्टिव हो गया क्लियर अब हम थर्ड ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं प्रोवाइड कंट्रोल ओवर द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड सबसे बड़ी बात है कि जो भी प्रोडक्ट्स आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो उस पर आपका कंप्लीट कंट्रोल हो जाता है क्योंकि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी आपके पास हमेशा रहती है वेर एवर देर इज रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इट इज अवेलेबल टू यू ड्यू टू द कंबाइनिंग यूनिट्स और उन कंबाइनिंग यूनिट्स की वजह से रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी एंस्योर होने की वजह से आप अपने मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट पर कंप्लीट कंट्रोल रखते हो दैट इज द पॉइंट ये भी वर्टिकल कॉम्बिनेशन का एक और ऑब्जेक्टिव है नेक्स्ट वन इज द ब्रिंग्स इकोनॉमीज इन स्टोरेज सेलिंग बाइंग एंड ट्रांसपोर्टेशन टू अ लार्ज एक्सटेंट यानी कि अगर आप लार्ज स्केल पर ऑपरेट कर रहे हो तो लार्ज स्केल पर ऑपरेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिफरेंट टाइप की इकोनॉमीज गेन होती है क्योंकि जो रॉ मटेरियल है वो आप खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर जो आपकी कंबाइनिंग यूनिट्स है उनके बेसिस पर आप उसको जब चाहो अवेलेबल करा सकते हो तो इससे क्या होगा आपको स्टोरेज में इकोनॉमीज मिलती है क्योंकि आप केवल केवल उतना ही रॉ मटेरियल फॉलो करोगे जितना आपको रिक्वायर्ड है और उसी अकॉर्डिंग आप अपने फ्रेस प्रोडक्ट को डेवलप करोगे तो यहां आप स्टोरिंग बहुत कम से कम आपको स्टोर करना पड़ता है सेल करना है तो आप लार्ज क्वांटिटी में सेल करोगे परचेस करना है तो भी उसमें इकोनॉमी मिलेगी आपको और ट्रांसपोर्ट करना है तो लार्ज क्वांटिटी में फॉलो करने की वजह से आपको इसके रेफरेंस में इकोनॉमी मिलती है यानी कि यहां पर आपकी कॉस्ट कम से कम हो जाती है स्टोरेज कॉस्ट मिनिमाइज हो जाती है सेलिंग कॉस्ट मिनिमाइज हो जाती है बाइंग कॉस्ट मिनिमाइज हो जाती है और उसके साथ जो तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी अपने मिनिमम लेवल तक पहुंच जाती है अगर आप वर्टिकल कॉम्बिनेशन के थ्रू अपने ऑपरेशन को कंटिन्यू करते हो तो उस केस में पॉइंट इस क्लियर नेक्स्ट फिफ्थ वन इज द प्रोवाइड एन इजी आउटलेट फॉर द गुड्स प्रोड्यूस्ड विदाउट बॉदरिंग अबाउट एडवर्टाइजिंग एंड स्टोरिंग द गुड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम सबसे बड़ी बात है कि प्रोडक्शन के लिए इजी गुड्स uh, के प्रोडक्शन के लिए एक इजी आउटलेट्स मिल जाते हैं आपको और आपको एडवर्टाइजिंग की और स्टोरिंग की कोई भी चिंता नहीं करनी पड़ती है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यानी कि जो रॉ मटेरियल है उसको आपको अवेलेबल करना है तो वो तो अब आप आपके पास अवेलेबल है कमानिंग यूनिट्स की वजह से नहीं होता था तो क्या करना पड़ता था आपको एडवर्टिजमेंट को फॉलो करना पड़ता था और गुड्स को स्टोर करना पड़ता था कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि कोई इमरजेंसी आ जाए और उस केस में मार्केट में सप्लायर से रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी ना हो पाए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता था लार्ज क्वांटिटी में रॉ मटेरियल को स्टोर करना पड़ता था और उसकी वजह से उसकी जो कॉस्ट थी वो बढ़ जाती थी जो वेयर हाउसिंग वेयर हाउसिंग कॉस्ट है वो वेयर हाउसिंग कॉस्ट आपको फॉलो करनी पड़ती थी लेकिन अब क्या है आपने जब कंबाइनिंग यूनिट्स को फॉलो कर लिया आप रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस कर रहे हो तो वह आपको स्टोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है और उसके साथ साथ आपको एडवर्टाइज भी नहीं करना है कि भाई मुझे रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट भी फोकस नहीं करना है तो कुल मिलाकर जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है और जो स्टोरिंग कॉस्ट है वो खत्म हो जाती है एक तरीके से या फिर अपने मिनिमम लेवल तक पहुंच जाती है क्योंकि अब आप कंबाइनिंग यूनिट्स के बेसिस पर रॉ मटेरियल को आसानी से अवेलेबल कराने की पोजीशन में आ जाते हो ओके okay? और लास्ट है इसके अंदर दैट इज वरी अबाउट पुशिंग द द सेल ऑफ प्रोडक्ट इज ऑल्सो बिन यानी कि आप क्या चाहते हो कि जैसे ही आपका प्रोडक्ट तैयार हो वैसे ही आप उसको सेल कर दो ये एक वरीनेस रहती है क्योंकि क्या है जो रॉ मटेरियल है उसको आपको एंश्योर करना होता है इसकी अवेलेबिलिटी को डिफरेंट सप्लायर्स पर क्योंकि आप डिपेंडेंट हो सप्लायर्स पर तो जब उनसे गुड्स आएगा और जैसे ही गुड्स आएगा आप उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दोगे और ये एक माइंड में वरीनेस रहती है एक टेंशन रहती है कि, कि किसी तरीके से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल कर दिया जाए उसको पुश किया जाए तो पुश करने के लिए आप एफर्ट्स करते हो लेकिन अब आप आपके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है उसकी कम उसकी बेनिफेट अवेलेबल है तो आपको इस बात की वरीनेस कम रहती है कि आपको उस प्रोडक्ट की सेल को पुश करना है क्योंकि आपके पास रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हंड्रेड परसेंट एनसीओ होती है इसी वजह से ये जो टेंशन रहती है माइंड में वरी, वरीनेस रहती है कि प्रोडक्ट की सेल को मुझे पुश करना है वो भी मिनिमम लेवल तक पहुंची जाती है तो दिस ऑल आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्टिकल कॉम्बिनेशन नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉजेज ऑफ वर्टिकल इंडिकेशन ये तो ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस किए अब हम बात करते हैं कि इंडस्ट्रीज को इस टाइप के इंडिगेशन को फॉलो करने की रिक्वायरमेंट होती है तो हम उन पर्टिकुलर कॉजेस को डिस्कस करेंगे जिनके बेसिस पर फर्म्स वर्टिकल इंटीग्रेशन की तरफ मूव होती हैं इंडस्ट्रीज हैविंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स यूजुअली टेंड टू बी वर्टिकली इंटीग्रेटेड यानी कि यह पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के केस में होता है जहां वर्टिकल इंटीग्रेशन को प्रॉपरली फॉलो किया जाता है जैसे पहला केस है वेयर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट दस कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल यानी कि हम यहां उन इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं जहां प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है यानी कि अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी में थोड़ा सा भी फर्क आता है तो उसकी वजह से उसका मार्केट कंप्लीटली ड हो सकता है तो जहां प्रोडक्ट की क्वालिटी को हंड्रेड परसेंट एनश्योर करना होता है वहां क्या करना है आपको रॉ मटेरियल की सप्लाई पर एक प्रॉपर कंट्रोल रखना पड़ेगा मेटेरियल को अपने हाथ में रखना पड़ेगा आपको क्योंकि अगर आप सप्लायर से रॉ मटेरियल को एंश्योर करोगे तो क्या होगा जैसी वो क्वालिटी प्रोवाइड करेगा उसके अकॉर्डिंग आपको मैनेज करना पड़ेगा लेकिन जब आपके पास रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग यूनिट अवेलेबल होगी तो उसकी क्वालिटी को आप फिनिश प्रोडक्ट की क्वालिटी के अकॉर्डिंग हंड्रेड परसेंट एंश्योर करोगे क्योंकि जब तक रॉ मटेरियल की क्वालिटी बेस्ट नहीं होगी तब तक उसके बेसिस पर आप फिनिश प्रोडक्ट को भी बेस्ट क्वालिटी के साथ में प्रोड्यूस नहीं कर सकते यानी कि जिन इंडस्ट्रीज में क्वालिटी को मैक्सिमम इंपॉर्टेंस दी जाती है वहां वर्टिकल इंटीग्रेशन के बेसिस पर रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करने के लिए एफर्ट्स किए जाते हैं दैट इज द फर्स्ट कॉज ओके द सेकेंड कॉज इज वी आर द फ्रिस्ट प्रोडक्ट ऑफ वन इंडस्ट्री कैन इजली बी कंज्यूम बाय द अदर एज एट्स रॉ मटेरियल यानी कि हम उन दो इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं जहां पर एक इंडस्ट्री के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ प्रोडक्ट दूसरी इंडस्ट्री के द्वारा प्रोड्यूस किए हुए प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूम किया जा सकता है वहां भी वर्टिकल इंटीग्रेशन को फॉलो किया जा सकता है जैसे अगर कोई सुगर इंडस्ट्री की फॉर्म है वो किसी बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के फॉर्म के साथ में वर्टिकल इंटीग्रेशन को फॉलो करना चाहे तो ये पॉसिबल है क्योंकि जो बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म है उसके लिए सुगर एक रॉ मटेरियल का वर्क करती है ठीक है तो जहां एक कंपनी का रॉ मटेरियल एक इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल दूसरी इंडस्ट्री के लिए सॉरी एक इंडस्ट्री का प्रोडक्ट या फिनिश प्रोडक्ट दूसरी इंडस्ट्री के फिनिश प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल का काम कर रहा है वहां हम वर्टिकल इंटीग्रेशन को फॉलो कर सकते हैं ओके थर्ड इज वेयर वन प्रोसेस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू अनदर जहां एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस की कॉम्प्लीमेंट्री है अगर कॉम्प्लीमेंट्री है यानी कि एक के बाद दूसरे को परफॉर्म किया जाना है पहले हम एक प्रोसेस को फॉलो करेंगे और उसके बाद उसी के बिहाफ पर हम क्या करेंगे यानी कि उसको फॉलो करते हुए हम सेकेंड प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नीचे कह रहा है दो प्रोसेस का अगर एक प्रोसेस दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है तो भी हम बिजनेस में वर्टिकल इंटीग्रेशन को फॉलो कर सकते हैं ये भी इसका एक प्रॉपर कॉज होता है और फोर्थ वन इज द वेयर बैलेंस्ड प्रोडक्शन इज सिग्निफिकेंट यानी कि जब यहां पर आपको बैलेंस्ड वे में प्रोडक्शन को फॉलो करना होता है और बहुत जरूरी होता है यानी कि अगर बैलेंस्ड बैलेंस्ड प्रोडक्शन प्रोडक्शन नहीं होगा का मतलब जितनी मार्केट में डिमांड है उतनी ही आपको सप्लाई देनी है और उसके लिए आपके पास उतने ही रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी एंस्योर होनी जरूरी है तो उतना ही रॉ मटेरियल एंश्योर करने के लिए जरूरी है कि उसको आप क्या करो खुद से अरेंज करो यानी कि आप खुद प्रोड्यूस करो रॉ मटेरियल को और आपके कंट्रोल में हो रॉ मटेरियल प्रोडक्शन यूनिट तो क्या होगा उसके अकॉर्डिंग आप उतना ही फ्रेंड प्रोडक्ट डेवलप करोगे जितनी मार्केट में उसकी डिमांड होगी पॉइंट इज क्लियर तो जब डिमांड और सप्लाई दोनों मैच करेंगे तो ये क्या कहलाएगा दिस इज नोन एज द बैलेंस्ड प्रोडक्शन तो जहां बैलेंस्ड प्रोडक्शन मैक्सिमम इंपॉर्टेंस रखता हो वहां भी वर्टिकल इंटीग्रेशन को या वर्टिकल कॉम्बिनेशन को प्रॉपरली फोकस किया जा सकता है ठीक है तो दीज ऑल आर द कॉज ऑफ द वर्टिकल कॉम्बिनेशन thank you